श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी द्वारा वाची जा रही ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा, जो कि काशी वाराणसी से आयोजित हो रही है। आज इस कथा का पहला दिन था। आज की कथा में गुरु जी ने जो विशेष जानकारी तथा उपाय बताए हैं वो इस प्रकार है, और साथ में ही कार्तिक माह में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय भी हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का शरीर में कोई गांठ हो गया है और डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन को बोल दिया है, तो गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर आजमाएं। एक बेल का फल लें, उसे जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लें, और उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर बेल वृक्ष के नीचे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दें। इसके बाद इस भस्म को शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और बाबा के इस भस्म को गांठ वाली जगह पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लगाएं। इस उपाय से जल्दी ही गांठान से आपको आराम मिल जाता है। आइए अब कार्तिक माह से जुड़े कुछ उपाय को जानते हैं। कार्तिक महीने में शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लंबी बाती का घी का दीपक अवश्य लगाएं, क्योंकि कार्तिक में दीपदान का बड़ा ही महत्व है। दूसरा उपाय, यदि आपके व्यापार में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इस कार्तिक माह में आपको 3 वृक्ष, पीपल, बेलपत्री या आंवला, इन तीनों में से कोई एक वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर लगाएं और साथ में दुख दहन स्त्रोत का पाठ करें। दुख दहन स्त्रोत का पाठ गूगल से निकाल सकते हैं। कार्तिक महीने में हमें अपने घर में रखे विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को हरी चंदन का टीका लगाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभकारी होता है। आगे की कथा में गुरु जी ने बताया, कार्तिक महीने में पड़ने वाली धनतेरस, रूप तेरस, दीपावली, इन 3 दिन में जो हम दीप दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, उसका फल हमें तभी मिलता है जब हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने नगर के जलाशय, कुआं, तालाब, बावड़ी पर एक घी का दीपक लगाते हैं। आपके नज़दीक जो भी जलाशय, कुआं, तालाब, बावड़ी हो, वहां एक घी का दीपक जरूर लगाएं। यदि आप इन जगहों पर दीप नहीं लगाते तो आपको इन 3 दिन में किए गए दीप दान का कोई फल नहीं मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।